ओवन बैटरी किसी भी स्टील प्लांट के लिए महत्वपूर्ण इकाई माना जाता है। ब्लास्ट फर्नेस में हॉट मेटल बनाने की प्रक्रिया में अन्य पदार्थ के अलावा कोक भी एक महत्वपूर्ण सामग्री है, इसलिए कोक ओवन के सुचारू रूप से संचालन के लिए अल्टरनेटिव कोक ओवन गैस फ्यूल मेन फॉर कोक ओवन बैटरी नंबर 10 लगाकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इससे पूर्व अपने अंडर फायरिंग सिस्टम को बनाए रखने के लिए सीओबी बैटरी नंबर 10 में सिंगल सीओ गैस फ्यूल मेन था। यह फ्यूल मेन निरंतर संचालन के दौरान प्राकृतिक क्लॉगिंग जमाव फ्यूल मेन के साथ प्रेशर में अंतर होने से परिणाम स्वरूप नॉन यूनिफॉर्म टेम्परेचर भी बन रही थी। इसे देखते हुए पहली बार एक अनूठी विशेषता सीओबी बैटरी नंबर 10 में अल्टरनेट फ्यूल मेन पाइपलाइन लगाया गया, जिसका उद्घाटन गत 19 फरवरी को सीईओ श्री एवी कमलाकर ने फीता काटकर नारियल फोड़कर तथा फलक का अनावरण कर किया। इस मौके पर ईडी वर्क्स श्री एके सिंह, ईडी प्रोजेक्ट्स श्री केबी सुनील, सीजीएम कोकोवेन श्री सौमित्रो घोष, अन्य सीजीएम गण व अधिकारियों ने भी नारियल फोड़कर विधिवत उद्घाटन किया। इस सिस्टम से बैटरी की लंबी उम्र, अन्य कई सुविधा के साथ सुरक्षा भी बढ़ गई है। कि हमारा कोकोवेन गैस के बहुत जरूरत है हीटिंग के लिए, और हमारा कोक साइड में जो कोकोवेन गैस मेन था वो मेन काफी डैमेज हो चुका था, और हम लोग का नॉर्मली कोकोवेन कोई भी बैटरी में अंडर फायरिंग सिस्टम में एक साइड से ब्लास्ट फर्नेस गैस का मेन रहता है, दूसरा साइड में कोकोवेन गैस का मेन रहता है। तो हम लोग का यहाँ पे क्योंकि ब्लास्ट फर्नेस गैस का साधन नहीं है, ये अदूर भविष्य में यहाँ पे आने का भी संभावना नहीं है। हम लोग का लड़का लोग यहाँ पे सोच के अपना सोच विचार करते हुए ये वाला प्रोजेक्ट लाया, क्यों ना उसर साइड से भी एक तो कोकोवेन गैस मेन का व्यवस्था करे, जैसे कि हमको यहाँ पे हीटिंग के लिए कोई भी कोई तकलीफ ना हो। अभी बैटरी में हम लोग का जो दोनों साइड से कोकोवेन मेन हो चुका है, भारतवर्ष में कहीं पे भी दोनों साइड में कोकोवेन गैस फ्यूल में नहीं है। एक तो नया टाइप का एक तो सिस्टम चालू किया गया है। So to give consistency of operation and to uninterrupted supply of coke to blast furnace, we thought to erect another fuel main in the pusher side, like in coke side. So recently we have commissioned our coke oven fuel main in the pusher side with the help of SET, MECON and our subcontractor SG. So now this fuel main is in operation for the last 7 days and is running well, and we are already pushing around 99 to 100 level. And the basic advantage of it is that in the future we don't have to take a long shutdown and reduce the production level for repairing or any maintenance of our fuel main, so that we can supply uninterrupted coke to blast furnace for higher production in hot metal.